तो बड़ी खबर हम आपको कोरबा से बता रहे हैं, जहां पर आग बुझाने के लिए 3 दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। कोरबा में एचटीटीपी को जाने वाले कन्वेयर बेल्ट लाइन में आग लगी है। 200 मीटर का हिस्सा जलकर खाक हो गया है। प्रबंधन को लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये ताजा तस्वीर हम आपको बता रहे हैं कोरबा से, जहां एचटीटीपी को जाने वाले कन्वेयर बेल्ट लाइन में आग लगी है। और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्वराज एक्सप्रेस अपने दर्शकों को दिखा रहा है। आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग रही होगी। धुएं का गुबार आसमान की ओर बढ़ रहा है। मौके पर आग बुझाने के लिए 3 दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। टूटा हुआ बेरिंग घिस जाने के चलते आग लगी, इस तरह की जानकारी अब तक सामने आई है। तो एचटीटीपी को जाने वाले कन्वेयर बेल्ट लाइन में आग लगी है और आग बुझाने के लिए फायर अम्बला यहां पर पहुंचा है और आग को काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मनोज, ज्यादा जानकारी के लिए कोरबा से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, कब और कैसे हुई आगजनी? जी, घटना प्लांट जो कन्वेयर बेल्ट निकलता है कोयला परिवहन के लिए, इस दौरान कन्वेयर बेल्ट का जो घर्षण के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते आगजनी की घटना हुई। बेल्ट में आग लगने के काफी घंटे बाद प्रबंधन की इसकी जानकारी हुई। अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना विभागीय दमकल वाहन को दी गई, लेकिन दमकल वाहन के पहुंचने से पहले ही 200 मीटर लगभग कन्वेयर बेल्ट जलकर खाक हो चुके थे और घटने के बाद दमकल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। तो अभी सूरत हाल वहाँ की क्या है? आग को कितना बुझा लिया गया है? कितना आग और बची है जिसे बुझाया जाना है? जी, अभी भी बताना चाहूंगा आपको, कन्वेयर बेल्ट के नीचे जो कोयले होते हैं, कोयले में भी आग लगी हुई है, जिसके चलते आगजनी की घटना बढ़ गई है। दमकल वाहन, अब तक 3 दमकल वाहन विभागीय दमकल वाहन के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रबंधन की माने तो इस घटना के बाद उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। अभी इस संबंध में कोई भी अधिकारी जानकारी देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, फॉलोअप देते रहिए मनोज, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।